Hi guys, welcome back to my new vlog. So today I'm going towards Guwahati. Guwahati with my brother Banja Laji. Guwahati घूमने के लिए जा रहे हैं. एक्चुअली कुछ ऐसा काम तो है ही नहीं, बस ऐसे घूमने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उसका स्कूल स्टार्ट होने वाला है. तो वो बोला कि चलो घूमने जाएगा बोल के, तो हम भी चलो ले जाएगा बोल के. सो क्योंकि मेरा तो कोचिंग चलता है, फिर भी हम टाइम मैनेज करके सैटरडे संडे मतलब वहाँ पे जाके घूम के आएगा, मंडे तक वापस आ जाएगा. और हम लोग का बस है अभी 3 बजे, तो 3 बजे हम लोग को वहाँ पे रिपोर्ट करना है बस स्टेशन पे, रोइंग बस स्टेशन पे. तो वहाँ से हम लोग निकलेगा. और आप लोग ये ब्लॉग पे बने रहिए क्योंकि ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोग हम गुवाहाटी थोड़ा एक्सप्लोर करके दिखाएगा. जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, जो जो करते हैं, आप लोगों को सब ब्लॉग पे दिखाएगा. तो फिलहाल अभी हम सीधा निकलेगा लाची का वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जाना है, वहाँ पे लंच करके वहीं से सीधा निकलेगा. तो लेट्स गो. तो गाइस अभी पहुँच गया यहाँ पे लाची के यहाँ पे. तो लाची, हेलो गाइस, एक्साइटेड? यस, वेरी वेरी एक्साइटेड. गुवाहाटी फर्स्ट टाइम जा रहे हो आप? सेकंड टाइम ना. यस. फर्स्ट टाइम कब गया था आप, याद है? छोटा में गया था ना. तो अभी कहाँ का घूमने का इरादा है, प्लान कहाँ का है, कहाँ का घूमने का प्लान है? प्लानिंग वहाँ पोस्टर करेगा अभी, सिर्फ जू और एक्वालैंड का प्लानिंग बनाया है. जू और एक्वालैंड फिक्स ना. तो आप मूवी देखने जाएगा. तो मौसम थोड़ा खराब होगा लग रहा है. नहीं, वहाँ मौसम ठीक है, बोले ठीक है ना. तो ओके, तो आप पैकिंग होगी आपका? पैकिंग कर रहे ज़्यादा सामान नहीं ले रहे क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं. ओनली 2 डेज, ओनली 4 डेज. यस, ऑल सेट. तो हम लोग थोड़ा सामान ले जा रहे क्योंकि हम लोग ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे, सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं. तो इतना काफ़ी है, 2 दिन के लिए काफ़ी है ना. यस, पूरा रेडी? यस, बढ़िया बढ़िया. तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, वहाँ पे दीदी गाड़ी से हम लोग को ड्रॉप कर देगा बस स्टेशन तक. तो गाइस अभी हम लोग है शिव सागर पे. तो यहाँ पे हम लोग रुका था मतलब डिनर ब्रेक करने के लिए, होटल शिव सागर नाम है यहाँ का. तो अभी थोड़ा सा ब्रेक है, उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ से निकलेगा सीधा. अभी अभी तो दूसरा स्टॉप कुछ नहीं है, डायरेक्ट गुवाहाटी पे हम लोग पहुँचेगा. तो गाइस फिलहाल अभी थोड़ा वेट करेगा, वेट करने के बाद यहाँ से फिर निकलेगा हम लोग सीधा गुवाहाटी की तरफ. फाइनली गाइस वी हैव जस्ट रीच गुवाहाटी. तो गुवाहाटी अभी जस्ट पहुंचा है, इट्स ऑलमोस्ट 7:30 AM. और अभी हम लोग यहाँ पे बेल्टोला चारे पे रुका हुआ है, यहाँ पे उबर बुक किया था, उबर का वेट कर रहे हैं. और उबर आते हैं यहाँ से सीधा जाएगा उखुगा वहाँ पे. तो उखुगा रेंज जो है वो नियर जू रोड रोदाली पास वहाँ पे है. और अभी लाजी थोड़ा दुखी में है क्योंकि आप लोग वेदर देख सकते हैं पीछे, वेदर पूरा ख़राब है. तो ये तो एक्वालैंड घूमने के लिए आया था, तो वेदर ख़राब का वैसे एक्वालैंड तो घूम नहीं पाएगा, तो इसलिए वो थोड़ा दुखी में है. फिर भी देखते हैं, अगर वेदर अच्छा रहेगा तो लेट्स सी घूम लेगा. और लाजी हाय बोलो. तो फिलहाल अभी उबर का वेट कर रहे हैं, उबर आते हैं यहाँ से निकलेगा उखुगा वहाँ पे. तो गाइस अभी उबर भी आ गया, तो अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से सीधा उखुगा वहाँ पे. लेट्स गो.
फाइनली गाइस वी हैव रीच, तो अभी हम लोग उकू के घर पे पहुंच गया यहाँ पे रेंट पे। तो आप लोग यहाँ से आप लोग थोड़ा व्यू देख सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट रोदाली पाथ है, रोदाली पाथ ये मतलब यहाँ पे गली होके घुसते हैं यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हैं। तो अभी फटाफट से फ्रेशअप हो लेगा, फ्रेशअप होके ब्रेकफास्ट भी कर लेगा, ब्रेकफास्ट करके हम लोग सीधा जाएगा यहाँ से, शायद से इको लाइन जा सकते हैं क्योंकि हम लोग के साथ इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि हम लोग को वापस कल शाम को वापस निकलना है, संडे शाम को फिर निकलना है, मंडे का सुबह पहुंचना है हम लोग, क्योंकि मेरा कोचिंग है वहाँ पे, इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी करना पड़ेगा और लास्ट का भी क्लासेस है, तो इसलिए तो अभी फिलहाल नीचे जाके फ्रेशअप होते हैं। आप लोग यहाँ पे जस्ट थोड़ा व्यू दिखाया और लाया था। तो गाइस नाउ वी आर ऑलमोस्ट रेडी, अभी हम लोग सब ब्रेकफास्ट करके रेडी है एकोलेन जाने के लिए। तो यहाँ पे उकू गाइस, तो यहाँ पे लाजी रेडी एकदम। तो अभी हम लोग उबर बुक कर रहे हैं, उबर बुक उबर आते हैं यहाँ से निकलेगा। और उकू आप कितना बार जा चुके हैं एकोलेन? हम तो बहुत बड़ा गया, हम वहीं काम करता है ना, वहीं काम करता है, सिक्योरिटी गार्ड है हम, जाते रहता है। तो एक्साइटेड फिर जाने के लिए? एक्साइटेड तो नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ तुम आए तो थोड़ा घुमा देगा मेरे पैसे से। सो गाइस आफ्टर डूइंग ब्रेकफास्ट एंड फ्रेशअप अभी हम लोग जा रहे हैं एकोलेन घूमने के लिए, क्योंकि हम लोग का टाइम बहुत कम है, तो जितना जल्दी हो सके घूमना पड़ेगा उतना। तो अभी एकोलेन जाने के लिए हम उको और लाजी जा रहे हैं, तो वो दोनों पीछे में आ रहे हैं, आप दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग उबर ही बुक कर लिया, उबर वहाँ पे आके वेट कर रहे कब से। तो अभी हम लोग को निकलना है एकोलेन की तरफ, तो लेट्स गो, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ पे दादा है, दादा आपका नाम? आसिफ। आसिफ बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पे उकू जी रेडी है ना? एकदम एकदम रेडी, वेरी एक्साइटेड। तो गाइस यहाँ से ऑलमोस्ट एकोलेन 26 किलोमीटर कुछ दूर है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 40 या 45 मिनट लगेगा पहुँचने के लिए वहाँ पे, मैक्सिमम 1 आवर क्योंकि ट्रैफिक की वजह से। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल गया, तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है एकोलेन पे, तो वेरी एक्साइटेड। देखिए वहाँ पे क्या क्या है। गाइस आफ्टर ट्रैवलिंग मोर देन 1 आवर बहुत लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो अभी हम लोग वी आर हियर एट एकोलेन, आप लोग देख सकते हैं पीछे में। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले टिकट बुक करना पड़ेगा, तो उकू ऑलरेडी लाइन पे है, तो अभी वहाँ पे जाके टिकट बुक कर लेगा, उसके बाद अंदर एंटर करेगा। फाइनली गाइस वी हैव गॉट आवर टिकट्स, तो अभी अंदर एंटर करेगा। गाइस एज यू कैन सी अभी हम लोग पार्क में एंटर कर दिया, तो अभी हम लोग सबसे पहले लॉकर जाएगा, वहाँ पे अपना सामान वामान रखेगा, उसके बाद सीधा कूदेगा नदी में। तो गाइस अभी हम लोग वहाँ पे वहाँ से लॉकर खरीद के आए, वहाँ पे मतलब अपना जो सामान है फोन ये सबको रखने के लिए। तो कपड़ा वपड़ा चेंज करके हम लोग सीधा जाएगा अपना फर्स्ट प्ले ग्राउंड पे, जो भी जहाँ पे भी हम लोग प्ले जहाँ से हम लोग प्ले स्टार्ट करेंगे वहाँ पे जाएगा। तो लेट्स गो। गाइस आप लोग यहाँ से थोड़ा व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर वाटर पार्क है। वी आर लकी दैट इन आवर नोटिस हम लोग यहाँ पे एक अच्छा वाटर पार्क है बच्चों के लिए, देख सकते हैं। सो फर्स्ट वी आर गोना ट्राई दिस। इधर देखो,
पर रुक जाएगा, बीच में रुक जाएगा। गुड ट्राई किया कभी ये? हाँ किया था पहले को। चक्कर आ गया ना? ये खतरा है। बैठने से पहले हमको चक्कर आ रहा है। कुकू आर यू रेडी? पानी पानी ये लोग। लाजी रेडी? रेडी रेडी। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं गाइस। आई एम वेरी थोड़ा डर लग रहा है। डर लग रहा है। थोड़ा डर लग रहा है। नहीं करेगा तुम? क्यों? तो गाइस अभी जो राइड करके आया ना, पूरा हालत खराब कर दिया। पूरा पसीना से पीटी भीज गया, मेरा कपड़ा भीज गया अलग ही। मतलब इतना चक्कर आते बहुत, मेरा फर्स्ट टाइम था तो चक्कर आ रहा था। लाजी चक्कर आ रहा है? चक्कर तो नहीं आ रहा, मजा आ गया। मजा आ रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मिरर मैच में, तो यहाँ पे देखिएगा, देखते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड द मिरर मैच, तो आप लोगों को अंदर से दिखाएगा यहाँ पे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आगे जाना है, आगे जाना। आप लोग घूम रहे हो, नीचे घूम रहे हो, क्या घूम रहे हो? तो गाइस मिरर मैच भी देख लिया यहाँ पे। तो नाउ इट्स टाइम फॉर, यहाँ पे क्या लिखा है, सिनेमैजिक 50 मोशन सिमुलेशन थिएटर। तो इसके अंदर जाके देखिएगा क्या है इसके अंदर। लेट्स गो। ये आप लोग जो दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर जा रहे हैं हम, तो लेट्स गो एंड सी। तो बाहर से कुछ ऐसा है, तो गाइस सिनेमैजिक थिएटर पे जाके भी हो गया है। वहाँ पे ऐसे कुछ थोड़ा सा क्लिप दिखा रहा था, कुछ कार्टून का या कुछ का था पता नहीं, तो उसका क्लिप दिखा रहा था। इतना मज़ा बोल के भी नहीं था, लेकिन फिर ही वो लोग ग्लास जा रहा तो ठीक ही था, लेकिन अभी थोड़ा चक्कर तो आ रहा है। अरे वो राइट के बाद पूरा चक्कर आ रहा है यार, चक्कर आ रहा है ना। बात करते वीडियो में ऐसे गदा मार रहे हैं, हमको तो कुछ हो ही नहीं। गाइस ये लोग और एक राइड करने के लिए निकल गया, हमसे तो नहीं होगा, हम चक्कर आके पूरा परेशान है और हालत ख़राब है। तो अभी उन लोगों का लास्ट राइड है शायद से, उसके बाद वो लोग भी हम लोग निकले गए यहाँ से कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत लग रहा है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया फिलहाल, देखते हैं। तो गाइस वी आर ऑलमोस्ट डन, अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं, भूख भी बहुत लग रहा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट, अच्छा लोग ढूंढेगा रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट बैठ के कुछ खाएगा। तो
तो लाजी कैसा कैसा लगा फर्स्ट एक्सपीरियंस? ठीक लगा ना? चक्कर आ रहे हैं हम तो चक्कर आके हालत खराब है। एक जगह है वो तो गाइस अभी हम लोग निकल गए वहाँ से, तो अभी हम लोग एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ के वहाँ पे बैठ के खाएगा, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया, पूरा भूख से एनर्जी नहीं बदन में। तो यहाँ पे टोंगारी लोकल ढाबा एक बार बताएगा, लग रहा होगा कि इतना अच्छा ढाबा नहीं, लेकिन टेस्ट कीजिए एकदम फैन हो जाएगा ना। 10 on 10 एकोलेन है, एकोलेन से जस्ट 100 meters कुछ दूर है, उसमें यहाँ पे है टोंगारी लोकल ढाबा, तो यहाँ पे आप लोग आके खा सकते हैं। तो यहाँ पे तो उनको खाने में क्या क्या है? खाने में है ये थाली का नाम है मिसिंग थाली, मिसिंग थाली में चिकन रहेगा, दाल भाजी फ्राई बीन्स और बहुत सारे आइटम्स है यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद तुम चिकन खा रहे ना? हम चिकन खा रहे हैं, हम खा रहे पोर्क एंड लाजी भी खा रहे पोर्क। बहुत भूख लग रहा है गाइस। तो गाइस आफ्टर डूइंग लंच, तो अभी हम लोग यहाँ पे डिकेट लोन पे आया था, यहाँ पे डिकेट लोन है थोड़ा छोटा सा, तो यहाँ पे आया था। एक्चुअली लंच इतना अच्छा भी नहीं था, इतना ख़राब भी नहीं था, ऑलमोस्ट ठीक ही था। तो अभी यहाँ पे डिकेट लोन पे आया, यहाँ पे कुछ अच्छा कुछ मिलने से देखने से ले लेगा। डिकेट लोन अजारा गुवाहाटी, यहाँ पे टेंट्स अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस भी लिखा हुआ है ऑलमोस्ट 5599। तो गाइस अभी हम लोग जस्ट डिकेट लोन से सामान लेके निकला था, और डिकेट लोन से हम ये बैग लिए जो पसंद आया था हमको। तो अभी हम लोग जालुकपुरी में है ना, जालुकबारी है, तो जालुकबारी से अभी हम लोग पल्टन बाजार जा रहे हैं। पल्टन बाजार से फिर हमको सिल्वर स्पोर्ट जाना है, वहाँ पे वहाँ से कुछ शू लेना है, बैडमिंटन शू। तो देखते जितना जल्दी पहुँचना ठीक है, क्योंकि वो शॉप भी 8 बजे तक बंद होता है, तो थोड़ा जल्दी में है। तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा पल्टन बाजार में। तो फाइनली गाइस जैसे तैसे करके घर पहुंच चुका है, और हम शू भी ले लिया अपना। एक्चुअली मेरा फ़ोन में बैटरी नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए हम ब्लॉग में आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा पाए। तो अभी घर आके फटाफट चार्ज करके आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। और हम शू भी ले लिया, तो शू हम सेम जो पहले था मेरा वाइट टाइगर, वही सेम शू ले लिया, क्योंकि शू यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। और अभी फिलहाल ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।